क्या एसआर के ने टुकराया फाइटर के कैमियो रोल। साल 2024 की शुरुआत होते ही हर किसी को जो 25 जनवरी को इंतजार है, इस दिन ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर रिलीज होने वाली है। फाइटर को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने ही शाहरुख खान की फिल्म पठान का निर्देशित किया था। फिल्म में अनिल कपूर और करण सिंह ग्रोवर भी हैं। बीते दिन से रिलीज डेट पर खबरें आई थी। सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर का कैमियो के लिए शाहरुख खान को अप्रोच किया था, लेकिन किंग खान ने ऑफर ठुकरा दिया। बताया गया है कि शाहरुख खान ने यह कहते हुए ऑफर ठुकरा दिया कि वे इस इवेंट में काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब रिपोर्ट में बताती है कि ये पूरी तरह से खबर फर्जी है। शाहरुख खान पठान और जवान डंकी तीनों ही देशभक्त जॉन की है, इसलिए पहले ही खबरों को जो कारण बताया गया है कि वह सीधे तौर पर गले नहीं उतर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि फाइटर में शाहरुख खान को कैमियो के लिए अप्रोच कभी किया ही नहीं था, बल्कि उन्होंने फिल्म का पर चार हिस्सा बनने का कहा गया था। दरअसल ट्रेलर में लेकर कई गाने रिलीज के बावजूद फाइटर को लेकर बाजार मेकर्स गर्म नहीं है। ऐसे में मेकर्स पर चार प्रमोशन सबसे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं। मेकर चाहते हैं कि किंग खान थैंक्स फाइटर कैंपियन का हिस्सा बने। आश्चर्य है कि फिल्म को रिलीज को लेकर दीपिका पादुकोण की उदासीन देखने को मिली। खैर, ये 25 जनवरी को फाइटर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुकी है।